Yeah, yeah. tips and makeup i'm manisha and today i'm sharing with you this beautiful pink eye makeup and it's a full tutorial so if you like my this makeup look please make sure to hit the like button so before starting this video make sure to comment share and subscribe to my channel and hit the bell icon so let's get started सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड बाइट्स का ग्रीन एप्पल ग्लो टोनर अपने पूरे फेस पे को स्प्रे कर लूँगी एंड अपने फिंगर की हेल्प से इसको डैप डैप कर लूँगी उसके बाद आता है सबसे मेन स्टेप मॉइस्चराइजिंग का एंड मॉइस्चराइजर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ द फेस शॉप का राइस सेरेमाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन ये काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी में है मैंने थोड़ा सा लिया है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है अब क्योंकि ये मेकअप डुई है एंड विंटर्स भी हैं तो डबल हाइड्रेशन की ज़रूरत होती ही है सो so, अगेन मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ प्लम का ई ल्यूमिनस डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ये काफ़ी डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पे अपने थोड़ा सा लिया है एंड पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी इसको प्राइमर के लिए आज मैंने यूज़ किया है फेसिस कनाडा का टाइम प्रो प्राइमर अपने फिंगर पे मैंने थोड़ा सा प्राइमर लिया है पहले उसको वॉम किया है उसके बाद मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड इसके बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है जिससे कि आपका फाउंडेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है एंड काफ़ी टाइम तक स्टे भी करता है ब्राउज के लिए आज मैंने यूज़ किया है बैट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट एंड इसमें से सेंटर एंड जो नीचे वाला शेड है डार्क ब्राउन शेड उसको मैं यूज़ करती हूँ पहले सबसे पहले मैंने अपनी स्पूली से अपने जो ब्राउ हेयर हैं उनको सेट किया है देन आउटलाइन मैंने डार्क शेड से किया है जो भी मुझे शेप रखनी है एंड जो फिलिंग मैं कर रही हूँ वो सेंटर वाले लाइट शेड से करती हूँ काफ़ी अच्छे से ब्राउज को फिल करता है एंड मैं इसी में जो ब्रश दिया गया है उसी से ही अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ ब्राउज के एजेस को शार्प दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का कंसीलर इन द शेड मीडियम एंड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसके एजेस को जो है क्लीन कर लूँगी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है ये करने के बाद अपने फेस के स्पॉट्स को हाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेट एंड वाइल्ड का कवर ऑल कंसीलर पैलेट एंड इसमें से कलर कवर्स वाला पोर्शन लिया है मैंने अपने फिंगर की हेल्प से उसको अप्लाई करूँगी एंड फिंगर की हेल्प से ही उसको मैं ब्लेंड कर दूँगी रिजल्ट दे देता है मतलब मीडियम कवरेज दे देता है ये आपको अपने आई बेस के लिए मैंने सेम कंसीलर यूज किया है अप्लाई करने के बाद मैंने एक वेट ब्यूटी ब्रेंडर से उसको ब्लेंड कर लिया है देन में उसको सेट कर रही हूँ पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से इन शेड हनी सेल्फ केयर टू आज के आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निका के का आई शेडो पैलेट शेड शुगर प्लम एंड इसमें से मैंने लाइट पिंक शेड लिया है और अपनी क्रीज लाइन पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसमें सारे ही आपको पिंक स्टोन मिल रहे हैं देन सेकेंड शेड में अपनी आईलेट के लिए मैं uh, मैंने पिक किया है काइंड ऑफ पर्पल एंड पिंक का मिक्स है एंड अपनी पूरी आईलेट पर इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है Uh, क्योंकि काफी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आई शेडोज देन uh, मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट इसका जो ब्लैक शेड है ना काफ़ी ज्यादा पिगमेंटेड है सो uh, so मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप देख सकते हैं मैं अपनी आउटर भी कैसे क्रिएट कर रही हूँ सो uh, अपनी so, आउटर भी क्रिएट करने के बाद इसको आपको सिर्फ डैप डैप करना है लिटिल बिट आप, आपको बस स्मच आउट करना है आ, इसी से ही मैं थोड़ा थोड़ा जो स्मचिंग कर रही हूँ अपने लाइनर के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रोफेशनली अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है बहुत लाइट लाइट आपको हाथ चलाना है बहुत ज़्यादा भी आपको डाप डैप नहीं करना है जब ये हो जाए ना आपका उसके बाद एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लाइनर एंड अपनी आउटर वी को हल्का हल्का स्मज आउट कीजिए तो आपकी आउटर वी बहुत अच्छे से क्रिएट हो जाएगी आ... फिर भी अगर आपको लगता है तो एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड पिक करके सिर्फ आपको डाप डैप करना है कुछ ब्लेंडिंग नहीं करनी है कुछ नहीं करना है सिर्फ उस पर डाप डैप करना है देन uh, uh, मैंने अपनी आईलेट के लिए जो अपनी हाफ वन थर्ड ऑफ द आईलेड है uh, उसके लिए सेंटर वाला शेड पिक किया है इट्स वेरी ब्यूटिफुल शिमरी शेड एंड आप देख सकते हैं कितना प्यारा सटल सा ग्लोई साइ मेकअप हो गया है हमारा नेक्स्ट अपने इनर लैश लाइन के लिए भी पिंक एंड पर्पल का जो शेड है उन दोनों को मिक्स करके मैं वहां पे अप्लाई कर लूंगी एक फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से नेक्स्ट मैं आ, काजल अप्लाई कर रही हूँ हु, हिमालय का Uh, ये मेरी आइज़ को बहुत ज़्यादा सूट करता है क्योंकि मेरी आइज़ थोड़ी सी सेंसिटिव है देन मैं अपने लैशेस को कोट कर रही हूँ मेबलिन के टोटल टेमटेशन मस्कारा से दिस इज माय फेवरेट मस्कारा लास्ट में मैं अपने इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ ये काइंड ऑफ हाईलाइटिंग शेड है फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का स्किन जीनियस स्कर्प्टिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ये गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो बीबी -बी क्रीम वग़ैरह यूज़ करते हैं ना वो ये यूज़ करके देखिए एक बार बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लेंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है मैंने थोड़ा सा लिया है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करके एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूंगी और आप देखना कितनी जल्दी ये ब्लेंड होता है कंसीलर के लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन फिटमी का इन दी शेड मीडियम एंड मेरे जितने भी कंसीलिंग एरियाज़ हैं अंडर आई नोज मेरी एंड अपने जो लिप्स वाला जो एरिया होता है सारा उस पर मैं अप्लाई करके सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड मुझे काफ़ी अच्छी कवरेज दे, दे देता है ये मेरे लिए इनफ होता है काफ़ी अच्छा मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ निका का अंडर द सी पैलेट मैंने इन आई शेडो पैलेट्स का फुल रिव्यू किया हुआ है आप जाके देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आ, सो मैंने इसमें से ब्राउन शेड पिक किया है एंड ब्रश मैंने यूज़ किया है डी यू केयर का आ, सो मेरे जितने भी कॉन्ट्रोलिंग एरियाज हैं वहाँ पे मैं इसको अप्लाई करके एंड इसको ब्लेंड आउट कर दूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं एक से दो आ, आई शेडो पैलेट में ही पूरा पूरा अपना जो पूरा फेस है वो कवर कर लू टश के लिए मैं सेम पैलेट यूज कर रही हूँ जो मैंने अपनी आईज़ के लिए यूज किया था उसमें से पिंक शेड लेके मैं अपने जो एम्पल ऑफ द चीक्स है उस पर अप्लाई कर लूँगी एज अ ब्लश आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये आ, सूट गया है कितने अच्छे से आ, पिंक कलर शेड गया है ये नेक्स्ट अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर इट्स अ ब्राउन्जिंग पैलेट बट इसमें से मैं जो सबसे लाइटेस्ट शेड है आ, उसको पिक करके अपने पूरे फेस पे जितने भी हाईलाइटिंग एरियाज हैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही उसको हाईलाइट कर लेती हूँ अपने पूरे फेस को लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन की बुलेट लिपस्टिक इन दी शेड 660 सिक्सटी टच ऑफ स्पाइस आज की मेकअप लुक पे परफेक्टली जा रही है आप देख सकते हैं काइंड ऑफ पिंकिश एंड पीचे स्टोन है इसका लास्ट स्टेप मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के फोटो फोकस नैचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे से uh, इस जो सेटिंग स्प्रे में है ना काइंड ऑफ डुईनेस है so yeah that's my final look if you like my this makeup look please make sure to hit the like button so multium may in me next video till then stay tuned